कम से कम 5 बार 10 बार 11 बार अगर देवी आपको प्रेरणा दे, 51 बार 108 बार आप अरे माता जी है उंगलियां दिए नहीं मैं लकीरा काई वास्ते के माला नहीं वे तो हाथ माते ही माता जी नाम गिन परार उठते ही सबसे पहले ओम करणी ओम करणी ओम करणी ओम करणी ओम करणी देवी के नामों से जीवन के दिन को प्रारंभ करें। जो द्वार हमारे लिए बंद हो चुके हैं उस नाम के प्रभाव से खुल जाएंगे। जो कठिनाइयां हमको हमारे जीवन में आती नजर आ रही हैं, ये नाम की शील्ड ये ढाल बनकर उन कठिनाइयों को रोकेंगी। और हमारा ये मन जो न जाने कैसे कैसे शत्रुओं से भयभीत है, काम से, क्रोध से, राग से, द्वेष से, मोह से, देवी के नामों के बल से हम ऐसे सारे शत्रुओं को पीछे छोड़ते छोड़ते भक्ति की प्रभावना से देवी के श्री चरणों तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आज आप इस कथा में आए हैं तो इस कथा में आने का असर आप पर आना चाहिए, क्योंकि मुझे अटूट विश्वास है यदि परिवार के एक व्यक्ति के भीतर भी परिवर्तन आ जाता है तो उस यज्ञ चक्र के माध्यम से पूरे परिवार में उस परिवर्तन की झलक आती है। और कोई मोटो काम थोड़ी जला रही हो, कोई मोटो काम जला दे तो आप कहता कोई बात है कहीं, केवल उठते ही 11 बार करणी जी का नाम लेना और कहना कि हे देवी मैं आपकी अनन्य शरण में हूं, हे जगदम्बा मेरे इस जीवन की गाड़ी आपको चलानी है, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूं, हे देवी आपके संसार में द स्टेज दैट यू हैव सेट अपॉन मैं उसका एक छोटा सा पात्र हूं, और मां यूं तो तुम्हारे हजारों लाखों भक्त हैं लेकिन सुबह उठते ही जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूं तो याद रखना कि तुम्हारे अनेकों अनेकों भक्तों में एक आपका दास, एक आपकी सेविका मैं भी हूं। आपकी प्रातःकाल में जब देवी के साथ ऐसा संबंध बन जाएगा तो आप देखना कि आपके पूरे दिन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, दिन पर प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर, आपके परिजनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज मां के इस कथा पंडाल से ऐसी प्रेरणा लेकर जाना।